बेंगाबाद में शांति समिति की बैठक के लिए लिए गए अहम निर्णय। पंडाल में सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी शरारती तत्वों की पहचान। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बेंगाबाद थाना स्वागत कक्ष में मंगलवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता बेंगाबाद वीडियो क्यूएम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, इंस्पेक्टर कमलेश पासवान और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बेंगाबाद प्रशासन पदाधिकारियों ने पूजा समिति सदस्यों को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की। बेंगाबाद पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा कि पूजा पंडाल के इर्द गिर्द पार्किंग की व्यवस्था पूजा समिति करे, पानी के लिए उपयुक्त टैंकर की व्यवस्था हो, महिला और पुरुष अलग अलग रास्ते से माँ दुर्गा के दर्शन करेंगे, हो सके तो पूजा समिति पंडाल में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करे ताकि असामाजिक तत्व के लोगों की शरारती हरकत की पहचान आसानी से हो सके। डीजे का प्रयोग ना करें, रात 10 बजे के बाद गाना ना बजाएं, भक्तिमय गाना मधुर धुन में बजाएं और सभी एडमिन ग्रुप से अनुरोध की जाती है कि आपत्तिजनक फोटो वायरल ना करें। वहीं पूजा समिति सदस्यों को आगाह किया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिम्मेवार पूजा समिति स्वयं होगी। बेंगाबाद वीडियो क्यूएम अंसारी और सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने कहा कि जो भी श्रद्धालु माँ दुर्गा के दर्शन करने आएंगे उनको दर्शन कराना पूजा समिति सदस्यों की जिम्मेवारी दी जाती है। वहीं बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बारी बारी से बेंगाबाद के तमाम पूजा कमेटी सदस्यों से जायजा लिया। प्रतिमा विसर्जन का रूट चार्ज का भी जायजा लिया गया। वहीं पूजा समिति के सदस्यों को भी अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। हालांकि प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व के लोग हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं तो इसकी सूचना थाना को दे दें, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष नूनूराम किस्कू, बेंगाबाद उप प्रमुख प्रतिनिधि जेनुल अंसारी, झामुमो नेता विपिन सिंह, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, कांग्रेस नेता दीपक पाठक, सुरेंद्र लाल मुखिया, समीम मुखिया, देवेंद्र प्रसाद यादव मुखिया, प्रतिनिधि विजय सिंह सोनबाद मुखिया, प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ताराटांड पंचायत के मुखिया, वीरेंद्र दास, सुनील यादव, नरसिंह या नारायण देव, अजीत सिंह, प्रवीण राम, चुड़ामन साव, रीतलाल प्रसाद वर्मा, दिनेश वर्मा, छोटेलाल यादव, सुमित्रा मंडल के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। सर आप उपस्थित हैं, बताएंगे क्या खास रहा बैठक में? जी हाँ, आज थाना स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले नवरात्रि और आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर मेरी तरफ से तमाम प्रखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आज की विशेष बैठक में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को, पंचायत समिति सदस्यों को और जो थाना समिति के जो सदस्य हैं उनको बुलाए थे और उन्हें जो सरकार के जो गाइडलाइन मिला है कि किसी प्रकार का डीजे जो है प्रतिबंध है, जो अध्यक्ष और सचिव हैं पूजा समिति के उन्हें साफ सफाई और जो कोरोना ख़त्म हो रहा है फिर भी उसको ध्यान रख करके मनाना है, लाइटिंग की व्यवस्था साफ सफाई की व्यवस्था उनको करना है और अच्छे से मनाएं और जो नियम कानून है खास करके जो एडमिन में कोई अफवाह न फैलाएं, अगर इस तरह का मैसेज होता है तो पहले प्रशासन की सूचना दें और जो उनकी समस्याएं थी हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के वहाँ पर नियुक्ति करेंगे और मिलजुल के सब लोग अच्छे से पर्व को मनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन लोग से बातें हुई है, मैं पुनः आप सबों के माध्यम से सभी प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। दुर्गा पूजा के लेकर आज शांति समिति की मीटिंग बेंगाबाद थाना परिसर में हुआ। बेंगाबाद वासियों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी बधाई। आज पूजा समिति में ये निर्णय लिया गया कि सभी लोग शांतिपूर्वक से मनाएंगे और सरकार के दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। क्या गाइडलाइन है, कुछ नया आया क्या गाइडलाइन से? इसके पूर्व के भांति ही है और जो भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, सभी कमेटी ने अनुपालन करने का प्रॉमिस किए हैं।
डीजे पर ही प्रतिबंध रहेगा? हाँ, डीजे पर बिल्कुल प्रतिबंध है। और कोई भी कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर होने हैं उसको लेकर भी कोई चर्चा की? सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ जगहों पर सूचना प्राप्त हुई है, उस कमेटी की सारी जिम्मेवारी होगी कि हम कमेटी तो मनाएंगे, कमेटी तो क्या कहता प्रोग्राम कराएंगे, परंतु उसकी सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। थाना स्तर से किसी तरह की ये नहीं, सिर्फ थाना स्तर लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, विसर्जन तक की है, ये प्रोग्राम करेंगे उसकी सारी जिम्मेवारी कमेटी की होगी।